हैं तो ऐसे कलर चेंज होता है। आप देख सकते हैं ये कलर चेंज हुआ, ये कलर चेंज हुआ, ये कलर चेंज। हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पहले मुझे बोलने दे, आप बोलो। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, आप लोग कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज जो है मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट के बारे में। आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ जो मेरे बैकग्राउंड के लिए एक पर्दा मंगाया है, उसका जो है आज अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। और बहुत ही अच्छा है, और कौन सा कलर है, ये कितने में मिला मुझे, और सारी डिटेल जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, सारी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। और कहाँ से परचेज किया वो भी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कोई भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन फर्स्ट आपके पास आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। जो मैंने ऑर्डर किया है ग्रीन बैकड्रॉप जो है, तो उसको मैं अभी अनबॉक्स करने जा रहा हूँ आपके सामने, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। देखें ये जो है कार्ड आ गया है। सो ये जो है बिल है, और जो कहाँ से ये सोनिया प्रोफेशंस की तरफ जो है, देखो गाइस काफी वेटेड है और काफी हैवी है जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। और गाइस जो है ये ग्रीन बैक ड्रॉप है, ये जो बैकग्राउंड स्क्रीन के लिए हम यूज करने वाले हैं, और इसके सहायता से आप क्रोमा की है वो आसानी से यूज कर सकते हो। और इसमें अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये भी बहुत अच्छा दिया है, जो साइड से ये स्ट्रेचिंग वगैरह करके दिया है चारों तरफ से, इसमें देख सकते हो आप स्ट्रेचिंग वगैरह अभी करके दिया है, और काफी तो काफी अच्छा दिया है। और इसका जो साइज है वो 8x12 है, यानी 8x12 फिट जो है उसका ये साइज है, और काफी बड़ा साइज है इसका, और पूरा ग्रीन जो दिया है। पहले मैं सोच रहा था ही लोकल मार्केट से ले लूं, बट अमेजोन पे मैंने देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मैं अमेजोन से ही मैंने ये ऑर्डर किया है। और जो मुझे ये पड़ा है वो 625 रुपीस में डिस्काउंट करके 625 रुपये में मिला है। और इसका आप देख सकते साइज जो है लंबा है, काफी बड़ा है। ये तो ब्लॉगिंग के लिए दोस्तों इसकी तो ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बट जो मैं यहाँ वीडियो वगैरह जो मैं शूट करूंगा तो उसके लिए जो है काफी हेल्प होने वाली है। जो ग्रीन ये बैकड्रॉप है, इसकी वजह से जो है बैकग्राउंड काफी अच्छा आएगा। अभी जो हम इसको यूज करते हैं, और जो हमारा कर्टन भी है ब्लैक कलर का, तो हम उसको भी यूज करते हैं, बट जो है इस बैकड्रॉप को जो मैं यूज करने वाला हूँ, और इसके इसकी हेल्प से जो है क्रोमा की काफ़ी अच्छे से यूज होगी, और वो मैं आपको वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे चुटकियों में कलर चेंज हो जाएगा अगर हम क्रोमा की का यूज करेंगे। सो अभी मैं इसको फिट करता हूँ, कितना बड़ा होता है, आप बस हमारे साथ बने रहिए। सो गाइस जो है अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो बैकड्रॉप जो है, बैकग्राउंड पर्दा, ये पूरा कितना बड़ा साइज है, तो आप देख सकते हो ये तो बहुत ही बड़ा है, पूरा फोटोग्राफी के लिए वीडियो शूट करने के लिए पूरा, मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि ये इतना बड़ा होगा। ये देखो 8x12 साइज है, स्टैंड भी आता है, स्टैंड तो मैंने नहीं मंगाया है, वो इसमें ये दिया है, जो अगर हम इसको पाइप वगैरह में भी कर सकते हैं, जैसे पाइप लगा है अगर हम इसमें करेंगे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल में जो मैं यूज करने वाला हूँ वो क्लिप के सहारे। सो मैं क्लिप लेके आता हूँ फटाफट, और मैं आपको दिखा देता हूँ क्लिप। सो गाइस जो है अभी मैं लेके आया हूँ ये क्लिप, और इन क्लिप के सहारे मैं इसको फिट करता हूँ। बड़ा साइज है ये, जैसे मैंने यहाँ पे अभी एक जुगाड़ की है, आप देख सकते हो इस तरीके की जो है मैंने अभी जुगाड़ की है यहाँ पे काफ़ी। मैं बैकग्राउंड करके मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से पूरा ये कवर करता है इस तरीके से, और ये जो पूरा इस तरीके से यहाँ पे जाता है, ये पूरा बैकड्रॉप है। तो सो गाइस जो अभी आप देख सकते हो मैंने इसको जो है पूरे फिट कर दिया, और आप देख सकते हो इतना यहाँ पर ये पूरा हाथ 12 फिट, यानी कि दोनों हाथ जो है अपने हैंड ऐसे करके, तो इतना बड़ा जो है बैकग्राउंड हो गया, ये पूरा ग्रीन हो गया। सो बहुत ही अच्छा लग रहा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसका अगर जो है हमें
अगर हम कलर चेंज करने की बात करते हैं तो ऐसे कलर चेंज होता है, आप देख सकते हैं, ये कलर चेंज हुआ, ये कलर चेंज हुआ, ये कलर चेंज हुआ, ये कलर चेंज हुआ, ये कलर चेंज हुआ। तो बहुत ही शानदार ये जो है बैकग्राउंड जो है, ये ग्रीन पर्दा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। और बहुत ही लंबा ये है, साइज भी अगर हम देखते हैं पूरा आधा फ्लोर तक कवर हो जाता है। अगर हम एक स्टूडियो वगैरह जो हम बनाएंगे, इसका स्टैंड भी आता है तो स्टैंड में भी हम इसको फिट कर सकते हैं। और टेम्परेरी यूज करने के लिए तो इस तरीके से जो है मैंने जुगाड़ कर ली है, इसको जो है ऊपर फिट किया है, और ऊपर फिट करने के बाद जो है हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो है क्रोमा की आसानी से फिट हो जाएगी और हम अपना जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर सकते हैं, कैसा भी बैकग्राउंड हम लाना चाहें वो ला सकते हैं। सोच रहा था ये सही तरीके से फिट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बट सही तरीके से फिट हो गया है और जो वीडियो बनाने में काफ़ी आसानी होगी। तो गाइस जो भी अगर ये ग्रीन बैकड्रॉप जो यूज करना चाहते हैं बैकग्राउंड के लिए, तो ग्रीन स्क्रीन बहुत ही अच्छा है और आप ये परचेज कर सकते हो। 8x12 का जो है साइज आप देख सकते हो और बहुत ही अच्छा है। अमेजोन या जैसा आप चाहें आप लोकल मार्केट से भी ये परचेज कर सकते हो। तो गाइस जो है आपको जो मैंने अनबॉक्सिंग करके दिखाया है और ग्रीन जो बैकड्रॉप है ग्रीन स्क्रीन के लिए वो मैंने आपको बता दिया है। सो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और हाउ टू यूज क्रोमा की वगैरह आपको कैसे यूज करना है, अगर वो भी अगर आप चाहते हैं उसकी जानकारी, तो मैं उस पर एक वीडियो बना देता हूँ, आप कमेंट्स में डालिए। सो आज के लिए बस इतना ही।